उन्हीं को करना पड़ेगा, सेल्फ रेगुलेट करना पड़ेगा उन्हीं को। आफ्टर ऑल जो दो चार नाम है, मैं नाम नहीं दोहराता हूँ, हमें किस पे क्यों उंगली उठाना, पर आफ्टर ऑल दो चार बड़े नाम है ना उस सेक्टर के, जिन्होंने पूरे सेक्टर को तबाह कर दिया, उसकी इमेज को। अब वो कौन लोग थे और क्या करते थे वो हर ज्वेलर को मालूम था। एंड आई कैन से इट विद कॉन्फिडेंस बिकॉज मैं मुंबई से आता हूं और वहां पे हाउस होल्ड टॉक था। हर ज्वेलर को पता था कि क्या बिजनेस मॉडल पे ये दो तीन चार कंपनियां चलती हैं, कैसे मटेरियल बेल्जियम से आता है या जाता है, दुबई आता है जाता है, राउंड ट्रिपिंग होता है, कितनी बार वो माल अंदर बाहर होता है, जब एक्सपोर्ट के प्रॉफिट्स में टैक्स नहीं था तब कैसे सबसे ज़्यादा टैक्स फ्री इनकम और कैपिटल वहाँ जनरेट हुआ, सबको मालूम है। एंड आई एम ऑफन एट ट्राइंग टू गाइड देम, ट्रूली आई एम नॉट फाइटिंग विद देम, एंड आई एम यू मैनी ऑफ यू नो मी वेल नो आई कैन बी क्वाइट अग्रेसिव बट आई एम रियली ट्राइंग टू ट्यूटर देम टू हेल्प देम। But the sad part is that all of that happened with somebody signing that balance sheet. We cannot ignore that reality also. And the common thread in all that has happened across the country is us. ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर मैं उनको उपदेश देता हूँ या मैं कल उपदेश दूँ स्टील सेक्टर में क्या क्या हुआ, हमको सबको मालूम है, इस कमरे में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। और आप लोग दिल्ली के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, कि दिल्ली के दो भाई जो लगभग अधिकांश यहाँ पे जो लोग बैठे हैं हमारे ही समाज से आते हैं, उन्होंने क्या किया इस रूम में, किसी कोई भी हो जिसको नहीं मालूम है तो हाथ उठा दो, या कोई नहीं समझाओ मैं किस पे उंगली उठा रहा हूँ, किसके नाम पे ये बात कह रहा हूँ। हम में से कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसको नहीं मालूम था? कभी हमने बेंचमार्क किया क्या कि एक स्टील प्लांट इतने रुपए पर मिलियन टन पे लगता है, दूसरा चार गुना ज्यादा पे लगता है? क्या बैंक से जब लोन आता था तो असेसमेंट नहीं होता था पैसा कैसे कहाँ जा रहा है, या प्लांट अगर जर्मनी से आना है तो उसकी बिलिंग दुबई से क्यों आती है? और मैं जितने सेक्टर चाहिए उसके नाम ले सकता हूं यहां पे। कॉमन थ्रेड एक ही। और आप जो कह रहे हो विनोद जी, माफ करिएगा, यू नो दैट इफ यू हैव कॉल्ड मी यू हैव टू एक्सेप्ट मी फॉर व्हाट आई एम। सर देखिए, अगर डिबेट है तो डिबेट अच्छी हो सकती है। वो डिबेट तुम आपस में करना पहले और फिर मेरे पास उसका निचोड़ लेके आना। हाँ नहीं सर, हम कर ही रहे, डिबेट के लिए आए हैं। लेकिन आप सोचिए कि आखिर सब लोग किस चीज पे भरोसा करेंगे। हम आखिर क्यों बोलते हैं कि अगर पुलिस वाला कोई गलत काम करता है तो हम नाराज होते हैं कि नहीं, कि उसकी जिम्मेदारी वो पूरी नहीं कर रहा है? उसकी जिम्मेदारी थी कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, गलत काम नहीं होने दे, गलत काम हो तो उसको पुलिसिंग करके ठीक करे, हमने उनको जिम्मेदारी दे रखी है ना। ऐसे ही पूरे समाज ने, सरकार की तो बात छोड़ी दो पर पूरे देश ने ये जिम्मेदारी हम ही के ऊपर दी है, हम ही को रखी है ये काम पूरा करने के लिए। हमसे ही अपेक्षा रखते हैं कि हम अच्छी तरीके से गहराई में जाके, और ये बात तो विनोद जी मत बताइए कि ऊपरी ऊपरी काम के या शत प्रतिशत हर एंट्री एक होती थी एक ज़माने में, मुझे भी याद है, हर एंट्री कोई चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है सही गलत पता करने के लिए। आजकल स्टेटिस्टिकल टूल्स यूज़ होते हैं, दिमाग यूज़ होते हैं। कोई एक ज़माने में मुझे याद है जब मैं अपना बिजनेस चलाता था, आई वॉज ऑल्सो अ स्टार्टअप 40 years ago, और बैंक के पास धक्के खाता था, सुबह सुबह पहुंच जाता था, चेक अगेंस्ट क्लियरिंग पास करो। शायद कई हम में से कई लोगों ने ये सब काम भी किए होंगे, तकलीफें भी पाई होंगी। उन दिनों में हमारी ब्रांच की ऑडिट चार लोग आते थे करने, ब्रांच वाले रादर कुछ और काम नहीं करते थे ऑडिट के सिवा। एक बार जाओ तो पता चलता था ब्रांच ऑडिट है, एक बार क्रेडिट ऑडिट है, एक बार आरबीआई ऑडिट है, एक बार एक्सटर्नल ऑडिट है।
बैंकिंग काम कम, ऑडिट ज्यादा होता था, और उस सबके बावजूद कोई फ्रॉड्स कम नहीं हुए, आपने देख ही लिया क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो रिफ्लेक्ट और इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। मुझे याद है अरुण जेटली जी ने स्पष्ट निर्णय ले लिया था, सिंस अरुण जी का आपने नाम लिया, कि NFRA नहीं बनेगा। और उसके दो महीने बाद ये दो बड़े कांड हुए और उनके हाथ बंद गए, और फिर मीटिंग भी उन्होंने बुलाई, हमारे इंस्टीट्यूट के अधिकारी भी गए मीटिंग में, मुझे भी बुलाया था। लेकिन आफ्टर ऑल मैंने अभी अभी इंस्टीट्यूट से चेक किया कि लास्ट ईयर कितने एक्शन हुए, और ये कब से बात चल रही है एक्शन की, अब पूरे लास्ट ईयर में 22 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है। अब हम कमरे में इतने CAs बैठे हैं, बताइए आज देश में 1,00,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 2,50,000 कैसे है, 2,50,000 3,50,000 हम प्राउडली बोलते हैं ना, 3,50,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जितने भी वो प्रैक्टिस ऑडिट में 1,00,000 तो होंगे भाई। और ऑडिट क्या, वैसे तो कोई इंडस्ट्री में भी काम कर रहा और गलत काम करे, कोई ऐसी कंपनी का CFO चार्टर्ड अकाउंटेंट हो उस पर भी एक्शन लेना चाहिए, टेक अवे सर्टिफिकेट। लेकिन हमने 22 CAs पे पूरे एक साल में एक्शन लिया, थिंक जस्ट पॉइंट टू पॉन्डर ओवर दिस डेटा फ्रॉम द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। तो अगर दुनिया हमारे भी सर्टिफिकेट पे विश्वास नहीं कर सकती है, और उससे भी एक कॉन्फिडेंस नहीं जनरेट हो सकता है कि दिस इज ट्रूली अ ट्रू एंड फेयर व्यू, तो फिर तो विचार करने की बात है ही ना, सभी के लिए विचार करने की बात है। आखिर हमें जो जिम्मेदारी दी है वो एक प्रकार से राष्ट्र के निर्माण की बात, जितने आपने आपके ये मैं देख रहा था आपने मोटो भी जो बनाया है, इट्स अ वेरी वेरी फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट थॉट। लेकिन उसको कार्यान्वित करने के लिए पहले हमने प्रोसेस तय करना पड़ेगा कि हमें प्रोजेक्ट उड़ान करना है तो क्या हम विसल ब्लोअर बनने के लिए तैयार हैं क्या। हमको भी पता है किस कंपनी में क्या हो रहा है, किस कंपनी में कौन CA कितना ऑडिट में अलाउ करता है नहीं करता है, कितना लिबरल होता है, ऑडिट हाथ से नहीं जाए इस डर में क्या होता है, L1 ये सब, Q1 ये सब चीजें तो आएंगी बाद में। सबसे मूलभूत जब तक हम प्रश्न नहीं रिजॉल्व करेंगे, अभी ऑडिटर किससे भी अपॉइंट किया हो, एक मिनट, CAG कर देगा या बैंक चेयरमैन करेगा या RBI करेगा, भाई ऑडिटर तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है ना, उसकी जिम्मेदारियां तो नहीं बदलती है किसने अपॉइंट किया उससे। आप खुद ही एक्नॉलेज कर रहे हो अगर कि भाई क्योंकि बैंक चेयरमैन खुद अपॉइंट करता है तो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और इससे CAG ने करना चाहिए, कोई स्लाइड में मैंने किधर देखा अभी, तो फिर तो बहुत बड़ी गंभीर प्रश्न हम अपने आप पे उठा रहे। सोच लीजिए, वी आर क्वेश्चनिंग आवर ओन सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, और ऐसे इस चीज को आगे बढ़ाते जाएंगे तो फिर तो कोई संस्था नहीं बचेगी, बजाय के गरुड़ पे भगवान राम ही आए और ऑडिटर को अपॉइंट करें। जस्ट थॉट्स में, मतलब मेरे पास वैसे बहुत बढ़िया भाषण है, ऑफिस में स्टैंडर्ड मंत्री बनने का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि पूरा प्रोसेस होता है, इनके पास भी 4 बार फोन गया होगा, क्या है प्रेजेंटेशन भेजो फलाना डिमका, फिर टाइम पूछा होगा, इन्होंने शायद मेरे को 15 मिनट दिए थे, तो उसके हिसाब से उन्होंने अपना वर्ड काउंट भी दिया हुआ है ऊपर, आई कैन रीड इट आउट, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आई कैन अश्योर यू हीरो बन के जाऊंगा यहाँ से, ये सब पढ़ लिया तो। आप दिल की बात कर रहे हो, सबसे अच्छा लगता है। दिस प्रोजेक्ट इज एन इंस्पिरेशन फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू कमिट टू द कॉज ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड इम्बाइब इंडियन वैल्यूज, एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन। CAs कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन नेशन बिल्डिंग, ये मेरे आदमी जिसने भी बनाया वो मरेगा आज।
एक ही शब्द दो बार एक ही पेपर पे और दो लाइंस में है, कोई अनुज है क्या? गया डीजे, गया बच गया. एंड एड आवर बिजनेसेस टू अचीव देयर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. नेशंस ग्रोथ स्टोरी विल गेट उड़ान विद एम्बिशन, अलाइनमेंट ऑफ आइडियाज, डेडिकेटेड एक्शन ऑफ सीएस. बहुत कुछ है इसमें, बट आई कैनॉट कंपीट विद द लवली प्रेजेंटेशन दैट यू मेड. मेरे जाने के बाद कार्यान्वयन करने की सोचिए, क्रियान्वयन कैसे होगा इसका. आप सोचिए कि इसके बारे में हम अपने अंतर्गत, अपने परिवार में, अपने प्रोफेशन में क्या करेंगे, कैसे ये क्रेडिबिलिटी को रिवाइव करेंगे, कैसे आस्था लाएंगे हमारे सिग्नेचर के ऊपर. वास्तव में यही बात आप लोग को कड़वी लगी थी, बुरी लगी थी 2017 में जब प्रधानमंत्री जी ने कही, जब उन्होंने ये अपील किया था कि भाई आप लोग, यू आर द पीपल हु आर ट्रस्टेड मोर देन एनीबडी एल्स. आपके सर्टिफिकेट पे लाइसेंसेस इश्यू होते हैं, आपके सर्टिफिकेट पे इन्वेस्टमेंट आती है. आप कहते हो प्रोसेस ठीक था, उसके आधार पर लोग स्टॉक मार्केट में भी आप शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, जो भी होता है. मैं नहीं कह रहा हूं कि सब लोग खराब है, ऑब्वियसली नॉट. मैंने इसलिए जेम एंड ज्वेलरी का एग्जांपल दिया. पर आप सोचिए कि इतने सारे कांड हो जाएं देश में, एलसीज खुल रही हैं बिना माल के, डिस्काउंट हो रही हैं, फर्जी सीएमए डेटास बन के बैंक को सर्टिफाई होकर सबमिट हो रहा है, यहां तक कि फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स तक फर्जी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं. हम में से कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट है यहां पे जिसको फिक्स डिपॉजिट रिसीट का ऑडिट करना नहीं आता है, बताइए. तो मुझे लगता है कि वी आर द मॉरल कंपस ऑफ सोसाइटी. तो वैसे तो वन कैन जॉली वेल से हम क्या करें, पूरा समाज बिगड़ गया है, व्यापार बिगड़ गया है, ऐसा है तो फिर तय कर लें, फिर हमें भी उसके साथ उस प्रवाह में अपने नाम को भी फिर खराब करना ही पड़ेगा. अगर गंगा मैली होगी तो हम उसमें डुबकी मार के हम भी मैले होंगे. पर लगता है हमें ये सर्टिफिकेट इससे मिला था कि हमको गंगा साफ करने की जिम्मेदारी दी गई. अगर ये हम तय करें और उस हिसाब से फिर अपना आगे का रास्ता बनाएं, फिर तो मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट उड़ान का बहुत बड़ा लाभ भी होगा, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, और फिर एक बार हम विश्वास भी गेन कर पाएंगे, समाज का भी, देश का भी, व्यापार बिजनेस सभी का. पर बाकी छोड़िए, अपने खुद का तो विश्वास गेन कर पाएंगे, हमारा सेल्फ एस्टीम तो पहले गेन कर लें इंडिविजुअल. और मैं आज पहली बार नहीं कह रहा हूं, शायद कोई पहले सुन चुका हो तो बोलेगा क्या रिकॉर्ड की तरह रिपीट करता रहता है. अगर, और ये बात मैं आज नहीं, मंत्री के नाते नहीं, मैं कम से कम 20-22 साल से कह रहा हूँ, शायद विनी तापड़ जी और उनके फादर इन लॉ मुझे जानते हैं उस समय से, विनोद जी, इन्होंने सुना होगा कई बार, जयंत ने भी सुना होगा. अगर, एंड मार्क माई वर्ड्स, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन बिकॉज आप सब मेरे अपने हो, अगर इस देश का हर चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिर्फ और सिर्फ हर चार्टर्ड अकाउंटेंट तय कर ले कि मैं ईमानदारी से अपने काम करूंगा, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करूंगा, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिलीव मी, इस देश में कोई आदमी, पॉलिटिशियन हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, विदेशी हो, देशी हो, कोई व्यक्ति इस देश में, इनकम टैक्स ऑफिसर हो, जीएसटी ऑफिसर हो, मैं चैलेंज से कह सकता हूं, अगर सिर्फ और सिर्फ इस देश का हर चार्टर्ड अकाउंटेंट ये तय कर ले कि ना मैं गलत काम करूंगा ना करने दूंगा, पूरे देश का भविष्य नक्शा बदल सकता. बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, और ये लक्ष्य और ये ऐसा कहना या करना सरल नहीं है, उसके लिए अग्नि परीक्षा होगी सभी की.
पर बिलीव मी, और हम में से तो अधिकांश लोग इस रूम में इस उम्र के हैं, वी आर इन आर 50s and 60s, मोस्ट ऑफ अस इन दिस रूम, हमारी इनिंग्स लगभग पूरी होने आ रही है। सोचिए हम क्या देश छोड़ के जाएंगे अगले पीढ़ी के लिए, हम में से कई लोगों के बच्चे भी सीएस हैं। सोचिए कि आज भी वो जो करोड़ों लोग गाँव में झोपड़पट्टी में गरीबी में बसते हैं, निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, क्या उनके परिवारों के लिए हमने कुछ करना है कि नहीं, उनका भविष्य उज्जवल करना है कि नहीं? और वो कर रहे हैं तो बिलीव मी 3.5 लाख सीएस अकेले इस देश का भविष्य, हर व्यक्ति का भविष्य उज्जवल कर सकते। वी कैन ट्रांसफॉर्म दिस नेशन सिंगुलरली एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इतनी ताकत है हमारी कलम में और हमारे काम में, इतनी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। आई एम सॉरी, मैं शुड हैव जस्ट स्टक टू दिस टेक्स्ट, अच्छा रहता, बट दैट्स व्हाट विनोद जी, इफ एट ऑल यू वांट टू डू अ मूवमेंट, यू नो, सोसाइटीज और एसोसिएशन बनाना तो इस देश में, एटलीस्ट अग्रवाल समाज में तो आदत है, जब तक मैं अध्यक्ष हूं तो ये संस्था अच्छी है, जब मेरा पद खत्म होता है तो मैं नई संस्था बनाता हूँ, क्यों, अध्यक्ष तो मेरे जो रखना ही है अपने कार्ड पे, चाहे 25 लोग हो मेरे पीछे। तो संस्थाएं तो बहुत बनी हुई हैं, बनेंगी, कितने साल पुरानी है ये, 89, तो अब तो एडल्ट हो गई है, 32 years। तो अगर बीड़ा उठाना है, आपके तो बच्चे परिवार में इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो सब संभाल लेंगे प्रोफेशन, तो अगर पीड़ा उठाना है तो फिर तो फुल फ्लेज्ड एक टीम बनाओ अपने में से, देश भर में जाओ, देश भर में मैसेज प्रोपोगेट करो, विसल ब्लोअर्स बनो, हम आपस में तय करें ये आदमी गलत कर रहे हैं, हम इसका पर्दाफाश करें, निकालो 500, 1000, 2000 जितने भी ऐसे लोग हैं जो उनके साथ करना पड़े, उनको लिटरली, I mean, I don't want to use any unparliamentary word. बेनकाब करो, सही बात है, इतनी हिंदी मेरी अच्छी नहीं है, और बिलीव मी हम कर सकते हैं, और आप मानोगे नहीं, ये इससे मुझे आज कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जो जेमेन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का चेयरमैन है, उसने आज शाम को ही मुझे फोन किया कि वी हैव रिफ्लेक्टेड अ लॉट ऑन व्हाट यू सेड एंड वी हैव डिसाइडेड कि अब हम रेगुलेट करेंगे हमारी इंडस्ट्री। उससे मुझे लगा कि मैं आज ट्राई करूं एक बार और, बहुत बार कर चुका हूं वैसे, बट लेट मी ट्राई अगेन, रियली जस्ट ऑल ऑफ अस इन दिस रूम कैन ट्रांसफॉर्म द नेशन, फिर डबल डिजिट ग्रोथ कंट्री में, $50,000 पर कैपिटा इनकम लेके जाना, $5 trillion, $10 trillion, क्या $50 trillion की इकोनॉमी बना सकते, 2050 $50 trillion, वी कैन हैव अ लक्ष्य एज बिग एंड एज स्ट्रॉन्ग एज दैट, ये पॉसिबल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूरे जीवन को खप दिया इस काम के लिए, जिस प्रकार से दिन रात लगे हैं, हमें कई बार शायद अच्छा ना लगता हो कि हमारे ऊपर लांछन आ रहे हैं, हमें कुछ बोला गया, पर आप सोचिए उन्होंने क्या क्या काम नहीं किया पिछले 7 साल, और कैसे कोशिश नहीं की कि एक एक चीज से समाज के हर वर्ग को लाभ हो। ऐसा कोई एक एक्शन नहीं मिलेगा आपको जिसमें उनके देश के प्रति संवेदना प्रतिबद्धता आपको झलकेगी नहीं, पर उनको भी तो हाथ चाहिए ना, उनको भी तो सपोर्ट चाहिए, और आप लोग, आप सब उनके हित चिंतक हैं, ये मुझे पूरा विश्वास है। मुझे नहीं लगता कोई सीए, कोई सीए स्टूडेंट उनको नापसंद करता होगा, लेकिन अगर हम सब उनके पीछे खड़े हो जाएं ताकत के रूप में और इस काम को अपना अपना समझें, तो आई कैन एश्योर यू कोई कभी हमारे प्रोफेशन पे लांछन नहीं उड़ा पाएगा,
कभी हमें काम की कमी नहीं होगी, उल्टे काम बढ़ते ही जाएगा, सीएस कम पड़ेंगे, सामने से लोग आके बोलेंगे भैया तुम ऑडिट करके मेरा मुझे दो, कोई लिमिट नहीं लगेगी इनकम टैक्स की या गवर्नमेंट की। छोटे से छोटा आदमी भी बोलेगा भैया ऑडिट कर लो मेरा, मुझे भी देखते हैं कि मेरे यहां कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, मुझे भी कॉन्फिडेंस चाहिए कि मेरे पास आपका सर्टिफिकेट मिल गया, अब मेरा व्यापार सब ठीक है, ऑर्गेनाइज है, कानून के दायरे में है, ईमानदार व्यवस्था से चलाओ और तो रात को चैन की नींद सो सकता हूं। इट इज प्राइसलेस टू बी एबल टू स्लीप एट नाइट पीसफुली एंड दैट इज वॉट वी कैन ऑफर टू 130 करोड़ इंडियंस, पीस ऑफ माइंड, अ ब्राइट फ्यूचर एंड देन वी कैन ट्रूली मेक इंडिया अ ग्लोबल सुपर पावर। बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, पर अपनी बात को विराम देता हूं, कोई अन्यथा ना ले, सिर्फ मैंने अपने दिल से बात की है क्योंकि मेरा विश्वास अभी भी अटल है, अटूट है कि हमारा ही प्रोफेशन है जो अल्टीमेटली इस देश को एकदम अलग दिशा पे लेके जाएगा, बहुत अच्छी दिशा पे लेके जाएगा, और हमारे ही काम से हम देश की दिशा भी बदलेंगे, सुधारेंगे देश की दशा भी सुधारेंगे, और हर उस व्यक्ति को देश में जिसने हमारे ऊपर कभी कुछ गलत कहा हो, कभी कुछ हमारे बारे में गलत प्रचार किया हो, उन सबको मुंह तोड़ जवाब अपने काम से, अपने ईमानदारी से, अपने लगन से देंगे, जिसके सामने किसी का मुंह कभी ना खुल पाए। आप सबको अभी अभी बहुत सारे त्यौहार गए हैं, उन त्यौहारों की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, हो सकता है कभी ना कभी ये बात नीचे उतरेगी या आपको भी लगेगी करने लायक, उस दिन फिर मुझे बुलाना, आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। कुछ एक्शन प्लान बनाइए, कैसे इसको हम देश भर में लेके जाएंगे, कैसे हम रिफ्यूज करेंगे जो लोग गलत काम करते हैं उसका कोई काम नहीं करेगा, जाए वो इनकम टैक्स में, लड़े कि कोई सीए मेरा अकाउंट करने तैयार नहीं, अपने आप लोग समझेंगे क्या हो रहा है। पर ये एकता, ये एकजुटता जब तक हम नहीं बनाएंगे, और एकजुटता ईमानदारी की, गलत की नहीं, तब तक आपको इसी प्रकार की प्रेजेंटेशन में सफाई देते रहना पड़ेगा, काम मांगते रहना पड़ेगा, ये दुर्भाग्य है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड आई प्रे फॉर योर गुड हेल्थ एंड सक्सेस। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।